प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं राजा मुमताज़, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, कैंडिडेट हैं ये सेंट्रल बाग एल ए जोधा से। तो खुश आमदीद कहते हैं राय साहब को। शुक्रिया राय साहब। कश्मीर के हवाले से आपसे कुछ आज सवालात भी होंगे, कश्मीर की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल पर है उस पर भी बात होगी, कश्मीर के जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि आपके दिल में कश्मीर के लिए बड़ी तड़प है, मेरा आपके साथ बड़ा वक्त गुजरा है माशाल्लाह, तो आपने कश्मीर क्यों छोड़ा है? मुसलसल आप जो है ना वो कश्मीर से बाहर हैं, वजह कांड कुछ? धरती माँ थी, आम धरती को माँ कहते हैं, माँ दो थी, एक जिसमें जन्म लेता है और एक जिससे जान लेता है, हम धरती को माँ कहते हैं। और जाहिर है कि माँ को छोड़ना, माँ को भूलना, माँ का सौदा अच्छे बच्चे नहीं करते। तो कश्मीर से हमारा लगाव की वजह ये है कि मुझे उस्ताद ही ऐसे मिले कि जिन्होंने एक तारीख होती है जो हुक्मरान लिखते हैं, जो अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक असल तारीख होती है जो मुहर्रक लिखता है। तो पर्दे हटाना या पर्दे गिराना होता है, तारीख यही होती है कि उससे पर्दे छट जाएं, लेकिन यहाँ पर्दों के पीछे तारीख को छुपाया गया है। तो मेरा धरती माँ को समझना, मैं अपने उस्तादों को सलाम करता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे बताया कि ये एक रियासत है, इसकी 6000 साल पुरानी तारीख है, और जो करंट अभी का है ये 72 साल का जो है, इसके अंदर जो गेम हो रही है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, इसको लोग असल में समझ नहीं सकते, और इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो यहाँ के हुक्मरान हैं। राय साहब सवाल की तरफ आते हैं, मैंने आपसे जो सवाल पूछा है वो ये है कि आपके दिल में कश्मीर की बड़ी तड़प है, आप अपने कश्मीर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन 1986-87 के बाद आपने तकरीबन कश्मीर को छोड़ दिया है, इसकी कोई ख़ास वजह आप बताना पसंद करें? मैं यही आपको इशारा कश्मीर अफेयर के हवाले से पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। जीना जो है ना अपने लिए नहीं होता है, और कोई काम भी अपने लिए नहीं होता, जिन्हें इंसान इंसान के लिए पैदा होता है। मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे लाखों लोग हैं, वो तालीम याफ्ता लोग हैं। अगर एक बंदा पढ़ लिख के उस मुल्क में एक नारमा होता है, एक मलयाल होता है, एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होती है, एक रूलिंग पार्टी होती है, ये माफिया है, ये ग्रुप है, और इन ग्रुप ने वहाँ के वसाइल के ऊपर, वहाँ के किरदार के ऊपर, वहाँ की ताकत के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। और ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये इंसान के साथ पेट लगा हुआ है, और सुंदर रोजगार के लिए लोग, यानी कि एक बंदा, आप नेपोलियन के जिंदगी मैं जानता हूँ, यू आर MSc, आप मुझे बताएं कि MSc पढ़ने तक आपके पूरे रियासत का खर्चा हुआ है, कि जहाँ स्कूल टीचर है वहाँ बिल्डिंग है, और रियासत को चाहिए कि इस नौजवान को जिसको MSc तक तालीम दी है तो उसे काम भी वहाँ ले, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ ऐसा नहीं है कि किसी बंदे इन्वेस्ट है, ये नौजवान के ऊपर इन्वेस्ट है कि आप बजट तालीम का बजट लगाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, बजट से ही हो रहा है। अच्छा राय साहब, आपके नज़दीक इसका मतलब कश्मीर में हकूक को गाज़ब किया जा रहा है, किसी शख्स को उसके बराबर हकूक जो है ना वो नहीं दिए जाते? तो अगला सवाल मेरा जो आपसे है वो ये है कि आप स्टूडेंट दौर से ही सियासत में इन्वॉल्व हैं, तो आप कश्मीर की सियासत को किस तरह से देखते हैं, खुसूसन आप अपना जो आपका हलका है हलका वस्ती बाग, आप उसकी सियासत को किस तरह, बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट हैं आपके दोनों, एक कमर जमान पीपल पार्टी से कर रखते हैं और दूसरा ये मुश्ताक मनासब मुस्लिम लीग नून से, आप क्या कहते हैं 2021 के इलेक्शन के हवाले से? अभी मैं आपको बताऊँ कि ये पिछली दफा मुश्ताक मनास साहब का एक रिएक्शन था नारमा बरदरी का और मैदल का भी, कि वह बरदरियों के बूथ होते हैं, नारमे को बोलता है कि मैदल को, तो लोगों में कुछ आया था, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये हो गया जो हुनर था वहाँ पे सेंट्रल बाग के अंदर, यानी कि इससे पहले जो था ना कोई पार्टी नहीं होती, वहाँ दो बरादरियाँ होती हैं,
एक को नारमा कहते हैं, एक को मलयाल कहते हैं, और इन लोगों के आपस में कोई मामलात होते हैं जिसमें वो यानी कि वो अच्छा या बुरा नहीं देखते हैं, वो बरादरी देखते हैं, और फिर दूसरी बरादरियाँ भी जिनके साथ शामिल हो जाती हैं तो वो लोग इलेक्शन जीत जाते हैं। वहाँ पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको बताऊँ एक चीज़ और, मैं आपको बताऊँ कि पार्टियाँ तो कुछ है ही नहीं, ये ग्रोह है इनके अपने बाधा। मुझे बताओ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, या PTI, ये JK, क्या क्या है, क्या है क्या? ये रियासत की पार्टियाँ नहीं, ये ग्रोह हैं जो यहाँ के ग्रोह हैं, उन्होंने अपने फाद के लिए बनाया हुआ है, उनके आगे केले यानी मैं गमाशते कहूँगे जैसे यानी उनके अहलाकार हैं, एजेंट है, नुमाइंदे हैं, मैं अच्छा लफ बोल रहा हूँ। तो ये इन्होंने अपने फायदा के लिए वो पर्दा लगाया हुआ है, इन्वेस्ट भी करते हैं, फिर उसे फ़ायदा भी उठाते हैं। तो वहाँ कोई ये सोच ले कि नारवा कोई कर लेगा, मलदयाल कर लेगा, फलां का किसी के जो इकदार वो इकदार में पावर में आना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल अपने पास रख के दूसरे को नीचा दिखाना है। अब नारवा में भी जो गुड नारवा बैड नारवा है, मलदयाल में भी गुड नारवा बैड नार, यानी जैसे तालिबान बैड, उसको भी यानी कि बरादरी को भी सही तरीके से खास नहीं करता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। मेरा आपसे सवाल यह है कि आज़ाद कश्मीर की बड़ी तीन पार्टियाँ हैं इस वक्त, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर है वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो शुरू से इसी नारे पर जो है ना अमल पै रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी कह रही है कि कश्मीर खुद मुख्तियारी है, इसके लीडर कह रहे हैं कि कश्मीर खुद मुख्तियार है, और नून लीग का भी कुछ मिला जुला सा जो है ना वो जो है ना ऐसा नज़रिया है कि वो या तो कह रहे हैं कि कुछ उनके लोग कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कुछ कह रहे हैं कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तियार। तो आप इसके हवाले से क्या कहते हैं कि ये लीडर किस हद तक मुखलस हैं कि कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तियार? असल में कश्मीर बनेगा ख़ुद मुख्तियार और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इशारा है और रिश्ते जोड़ना, मैं आपको बताऊँ ये सारा मफादात के लिए, ये इनके कानून के अंदर लिखा हुआ है। इंडिया में इकदार में के अंदर यानी भारत ही मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने के लिए अटूट अंग कहना ज़रूरी है कि भारत का हिस्सा है, और यहाँ पाकिस्तान का हिस्सा कहना ज़रूरी है। ये जो लोग अभी यहाँ बैठे हैं जो इसके अलमबरदार हैं, मैं आपको सही बताऊँ जो अलमबरदार हैं जो आगे चल रहे हैं, उनको तो सारी हकीकत का पता है कि ये हम सिर्फ़ और सिर्फ मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं किसी को ऐसे ये कह के, हम उनको पता है कि इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन इसका मुझे बता, दुनिया के अंदर कोई है कि जो एक मुल्क है कि मैं दूसरे मुल्क, वो कह रहे हैं ना कि वो दिल में घुस रहे हैं और महसूस करता हूँ कि सिंगापुर में जापान जा रहा है, सिंगापुर के अंदर जापान नहीं जा रहा है, ये रियासत है, बहुत बड़ा मुल्क है, तो मुल्कों से मुल्क बन जाते हैं, ये सिर्फ मफादात है। और ये तकसीम का ये है, इंडिया की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है, वो तकसीम की बात करता है। अच्छा राय साहब, जैसे आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और नॉन लीग जो दोनों बरादरी की सियासत करती हैं, इस पर ये जो इनका एक अजारादारी आप इसको समझ लें, मंशूर है जो नज़रिया है इसको ख़त्म करने के लिए PTI इस बार वो मैदान में आ रही है, जो कि बरादरीज़म को ख़त्म करने के लिए वो मैदान में आ रही है, तो आप क्या कहते हैं कश्मीर में किस हद तक इनकी कामयाबी होगी? देखो जी, PTI है, मैंने पहले तस्वीर में कह दिया है कि PTI है या नॉन लीग, ये पाकिस्तानी पार्टी, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और वाकई इमरान खान का यूनियन है, एक नजरिया है, करप्शन से पाक है, नया मुल्क बनाना सब कुछ है, किसी हद तक मैं वेलकम कर, लेकिन जो लोग हुई होती हुई हुई है और थड़े हुए, वो लोग तो इसीलिए एक अहवा है, वहाँ पे अहवा है कि यहाँ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी PTI की हुकूमत है, वहाँ भी बनेगी, और लोग वही हैं, वही चेहरे बदल बदल के मुझे मिल रहे हैं, लोग इतना बुरा सलूक मेरे साथ भी, वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, फादादी ग्रुप है, और अभी नून लीग में, कल उसको पता है कि PTI में कोई आएगा वो उधर आ जाएगा, कल पता चलेगा नून लीग में, मैं कहता हूँ कि अकाली दल का कोई बंदा जहाँ जीत जाए तो कुछ जो बात परस्त लोग ऐसे हैं ना वो उसके साथ आ जाए, जो हमारे यानी मजहब की नहीं शख्सना के कोई लोग आ जाए ना हुकूमत में, तो जिस तरह से MQM है या मौलाना साहब हैं यानी हुकूमत के बगाने रहते हैं, इसी तरह वहाँ कुछ फैमिलीज हैं, कुछ खानदान हैं, कुछ घर ऐसे हैं कि वो हुकूमत में, एक भाई इधर है एक इधर है, वो आपस में मिले हुए हैं कि वो जीत गया। एकदम मैं आपको बताता हूँ, एक बार लड़के हमारे जाते थे नारा लगाते थे गुफना जीतेगा जीतेगा, तो उनको भाव में कोई डीलिंग नहीं, वो डीलिंग होती है ना, तो उसने कहा जीतेगा भाई जीतेगा,
दूसरे पीछे जो थे वो कहते थे कोई ना कोई तो जीतेगा, कुछ लोग ऐसे होते थे ना कोई जीतेगा, उन्होंने वो गुंजाइश रखी, मुनाफ़त है ना कि जो भी जीतेगा हम कहते थे हम तेरे साथ थे, मेरा भाई तेरे साथ था, भतीजा तेरे साथ था। तो कुछ लोग हैं वो जीतने वाले के साथ भी हैं और हारने वाले के साथ भी होते हैं। अच्छा राय साहब, आप इस बार कैंडिडेट हैं सेंट्रल बाग LA 14 के, आपका विजन क्या है, आप किस तरह से आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, कौन सी पार्टी से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? मैं राजा मुमताज हूँ, मेरी पार्टी, मैं कश्मीरी हूँ, मेरी पार्टी अपनी का, मैं किसी, ये जो पार्टियाँ हैं ये ग्रुप है, मैं किसी ग्रुप में नहीं रह सकता, ना किसी की डिक्टेशन ले सकता हूँ। मैं जीता या हारा आवाम को एक शोर दे दूंगा कि वोट क्या है, ये आपका रियासत आपको एक शहरी को एक ताकत देती है कि वो यानी कि किरदार में किसी को बिठा सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब हमने लोगों को ये बताना है कि आप इस मुल्क के शहरी हैं और आपके अंदर ये पावर है, यहाँ है क्या, यहाँ होती है भिड़चा, मेरे जैसा पता चला जाएगा तो देखेंगे 400 गाड़ियाँ लेके फलाम बंदा गया है। लोग ये वोट नहीं है कि मैं 400 बंदे की गाड़ियाँ दे के या मेजबान दे के या कोई बरादरी दे के वोट दूँ, ये मेरा वोट नहीं है, ये भीड़ चाल है। शहरों का वोट वो होता है, वो आज़ाद मुल्कों के अंदर वो होता है कि वो इस चीज़ को नहीं देखते, वो बाशहर लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बंदे के प्रोग्राम को देखते हैं, वो चाहता क्या है, वो अपनी ताकत को भी देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे जालिमों को जो उन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़ा करना है, किसी यतीम बेवा के साथ जुल्म करना है, किसी को उसका हक नहीं देना है, जिस तरह से हम लोग यानी कि यहाँ शहरों में यानी कि जॉब कर रहे हैं, कोई होटलों में, कोई फैक्ट्री में, कोई कारखाने में, कोई बेरोज़गार है, कोई चर्च धंधा वगैरह, इसके जवाबदार यही लोग हैं और गना में शरीक उसमें वो वोटर भी हैं कि जिन लोगों ने इनको वोट दिया। देखो वो तो बुरा था लेकिन उसको पावर देने वाला जो बंदा होता है वो भी गना में शरीक।